नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं अदिति राठौर आपके साथ। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चीनी महिला पर्यटक लापता, एफआईआर दर्ज। होटल और धर्मशाला में चल रही है छानबीन। महिला को शनिवार को आखिरी बार पर्यटकों के बीच मशहूर बापू बाजार में देखा गया था। पुलिस ने टूरिस्ट गाइड से भी पूछताछ की, पता लगाने में जुटी है पुलिस की टीम। परीक्षा से 2 घंटे पहले पिता की मृत्यु। शिक्षकों के ढांढस बंधाने पर पेपर देने के बाद दिया कांधा। रूपपुरा निवासी गोविंद 10वीं का छात्र है। गुरुवार सुबह पहला पेपर था, 2 घंटे पहले ही पिता का निधन हो गया। परीक्षण में अस्पताल के डॉक्टर सहित 17 चिकित्सा कर्मचारी निदारद। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागोरा में करोड़ों रुपए की वन भूमि पर हाल ही में किए गए अतिक्रमण को विभाग के अधिकारियों ने हटाया। सिंधी लेखक और कवि सम्मेलन आज जयपुर में। सम्मेलन में देश भर से सिंधी साहित्यकार लेंगे भाग। महिला अत्याचारों के खिलाफ साइकिल रैली उदयपुर पहुंची। कलेक्टर ने लगाई मेयर पर बंदिशें। सरकारी कार पर लगाया जीपीएस। ड्राइवर भी बदला, सिर्फ घर से दफ्तर आ जा सकेंगे। गिरवा ब्लॉक कांग्रेस हिरण मिगरी की बैठक विज्ञान भवन में हुई। बैठक में कांग्रेस को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। हाईकोर्ट ने कहा, विवाहेतर संबंध है तो भी कर्मचारी पर विभागीय कार्रवाई नहीं। प्रार्थियों के निलंबन की कार्रवाई को रद्द करते हुए उनको सभी सेवा परिलाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरे से संबंध बनाने की प्रशंसा नहीं की जा सकती। राजस्थान में 6 महीने में 81 ट्रेनों को दिया चुनावी स्टॉपेज। 5 नई ट्रेनें भी की शुरू। 4.5 साल में तो मौन रहे चुनाव, नजदीक आए तो 10 ट्रेनों को विस्तार दिया। नाम मात्र का यात्री भाड़ा होने पर भी दे दिया ट्रेनों को ठहराव, इससे ट्रेन हुई लेट। भाजपा कांग्रेस में आज होगी बैठक। 25 सीटों पर 260 दावेदार, 11 सीटों पर नाम लगभग तय। वसुंधरा राजे प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेगी। कांग्रेस की 11 सीट पर प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल। विधायक हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की करी घोषणा। वीटीपी बसपा लेफ्ट सहित कई पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिश। चुनाव के 20 दिन पहले बनी उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 8 लाख वोट मिले थे। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर बोले, कांग्रेस मतलब झूठ और राफेल का मतलब राहुल फेल है। जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने 1 मार्च से प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कांग्रेस जनता को बरगलाने के लिए रोज उनके सामने झूठ परोसने का काम करती है। भोपाल, इंदौर और विदिशा सीट पर कांग्रेस की नजर। दिग्विजय को भोपाल से चुनाव लड़ने की तैयारी। 3 दशक से जहां पार्टी को नहीं मिली जीत, वहां जीतने का खोज रहा है फॉर्मूला। प्रदेश में टिकट वितरण का काम 3-4 दिन में शुरू होगा। वक्फ बोर्ड के पूर्व CIO यूनुस खान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, गिरफ्तार। ग्वालियर के कारोबारी की कार से 51.50 लाख रुपए किए जब्त। मुरैना में अंचल की सबसे बड़ी कार्रवाई। कारोबारी गिरिराज बंसल रकम के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं कर सके। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।